हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरनेट क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है मर्जर और टाइप्स ऑफ मर्जर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मर्जर क्या होता है और मर्जर के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बार एग्जाम में मर्जर के जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आया है कि मर्जर एक साइड यहाँ पे मर्जर के जो टाइप्स हैं उसमें से उनको लिखा जाएगा और दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और आपको उसको मैच करना होगा। तो अगर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पता है कि कौन सा मर्जर क्या होता है तो आप उसको इजीली मैच कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करेंगे, बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसको PDF फॉर्म में लेने के लिए मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मर्जर जो है वो उसको कंपनीज एक्ट 1956 में तो उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है तो उसमें मर्जर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो मर्जर, उसके अकॉर्डिंग मर्जर जो है वो कॉम्बिनेशन है टू और मोर एंटिटीज़ का इनटू अ वन सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी में दो और दो से ज़्यादा कंपनी जब कंबाइन कर जाती हैं और एक सिंगल एंटिटी बनकर सामने आती है तो उसे ही मर्जर कहा जाता है। तो जो रिजल्टेंट कंपनी होती है वो नॉट जस्ट द एकुमुलेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है, वो जस्ट एसेट और लाइबिलिटी का ही एक एकुमुलेशन नहीं होते हैं सिंगल जो एंटिटी में होती है, बल्कि वो दोनों एंटिटीज़ को एक सिंगल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हैं वोडाफोन आइडिया मर्जर, स्नैपडील एंड फ्रीचार्ज, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा, ओला एंड टैक्सी फॉर श्योर, अल्ट्रा टैक्सीमेंट एंड JP ग्रुप, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मर्जर के कुछ टाइप्स हैं जो कि फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर को हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेम काइंड के कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रही होती हैं। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में जो मर्जर होता है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसका एक एग्जांपल है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जो फेसबुक है उसे 2012 में इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया था $1 बिलियन के साथ। तो क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं सोशल मीडिया में और दोनों ही फ़ोटो शेयरिंग सर्विसेज का काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो सेम लेवल पर इंटीग्रेशन हुआ तो इसे ही हॉरिजॉन्टल मर्जर कहा जाएगा। इससे फेसबुक का जो पोजीशन है वो भी बेटर हुआ, मार्केट शेयर भी उसका इंक्रीज़ हो गया और दोनों क्योंकि सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके बीच में जो कंपटीशन है वो भी कम हो गया और इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है जो कि लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने से मिलता है। तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। उसके बाद है वर्टिकल मर्जर। तो वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं वो सेम गुड्स और सर्विसेज को तो प्रोड्यूस करती हैं बट एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मींस प्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं तो उन डिफरेंट स्टेजेस को मर्ज किया जाता है, दैट इज़ वर्टिकल मर्जर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे क्लॉथिंग रिटेलर हु बाइज अ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकल मर्जर। कि एक जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो मर्ज कर जाती है क्लोथिंग रिटेलर कंपनी के साथ जो कि कपड़ा को बेचती है। तो ये सेम इंडस्ट्री और सेम टाइप ऑफ गुड्स को ही वो प्रोवाइड करवा रहे हैं बट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसी को वर्टिकल मर्जर कहा जाएगा। उसके बाद है को जेनरिक मर्जर। तो को जेनरिक मर्जर में क्या होता है कि जो मर्जिंग एंटिटीज़ होती हैं आर इन रिलेटेड मार्केट, वो उनकी मार्केट रिलेटेड होती हैं बट नॉट ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स, वो सेम प्रोडक्ट्स को ऑफर नहीं करती हैं, ठीक है। द एंटिटीज शेयर सिमिलर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड मर्ज विद एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द कस्टमर बेस। सिर्फ कस्टमर बेस को ही जो इंक्रीज करने के लिए इसको वो मर्जर को यूज़ करती हैं और ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करती हैं, तो इसे कोसेंट्रिक मर्जर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है इफ़ यू ऑन अ केटरिंग कंपनी फॉर एग्जाम्पल एंड यू मर्ज विद अ बिजनेस दैट रेंट्स टेबल चेयर्स इवेंट स्टैंड्स एंड पार्टी इक्विपमेंट्स दैट वुड बी अ कोसेंट्रिक मर्जर। मीन्स एक आपकी केटरिंग कंपनी है तो केटरिंग कंपनी वालों का मर्जर हो जाता है, रेंट टेबल चेयर्स इवेंट्स पार्टी इवेंट्स को करवाने वाली कंपनी के साथ, तो इसको कोसेंट्रिक मर्जर कहा जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जो बहुत कंपनीज अपील टू कस्टमर्स हु हैव इवेंट्स, जिनके पास इवेंट्स हैं उन्हीं के साथ ही वो काम कर रही हैं, बट नॉट इन द सेम वे, बट सेम तरीके से नहीं. एक जो है वो केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और दूसरा जो है वो फ्रंट टेबल चेयर्स एटसेट्रा को प्रोवाइड करवाएगा. फोर्थ वन है कॉन्ग्लोमरेट मर्जेस. इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको आराम से आप देख लीजिए. तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है कि टू कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिक लोकेशंस जॉइन फोर्सेस, मीन्स जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिकल लोकेशन से कंपनीज होती हैं वो मिल जाती हैं, तो इसे ही कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहा जाता है. तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में प्योर मर्जर क्या होता है, तो प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है कि कंपनीज आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड इन देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, तो वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं. जैसे कि आप मान लो, फॉर जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए कि अमूल जो कंपनी है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, मींस वो अलग अलग, उनका कोई रिलेशन नहीं है, टोटली अनरिलेटेड है, ओके. उसके बाद है इन मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर द कंपनीज आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और मार्केट रीच बाय जॉइनिंग विद अनदर कंपनी. तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, दैट इज अमेज़न एंड होल फूड्स, ईबे एंड पेपल एंड डिज्नी एंड पिक्सर, ठीक है. तो ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के कुछ एग्जाम्पल है. ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं और आपको बोला जाए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से मर्जर का है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा. उसके बाद है रिवर्स मर्जर. तो रिवर्स मर्जर में क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी एक्वायर्स द मेजोरिटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इन इट्स नोन, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को, मेजोरिटी शेयर्स को ले लेती है, उसको परचेज कर लेती है और उसकी सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है पब्लिक ट्रेडेड कंपनी की. तो इट इज ऑल्सो नॉन एज रिवर्स आईपीओ एंड रिवर्स टेक ओवर आरटीओ, ठीक है, तो इसे रिवर्स टेक ओवर भी कहा जाता है. तो इसका एग्जाम्पल है टेड टर्नर और राइस ब्रॉडकास्टिंग. तो जो टेड टर्नर है वो राइस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ मर्ज कर लेते हैं, इसे रिवर्स मर्जर कहा जाता है, इसे आप देख लीजिएगा. तो उसके बाद है डीमर्जर. वैसे तो इसका टाइप नहीं है ये, बट डीमर्जर भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मर्जर के साथ ही समझाना बहुत ज़रूरी है. तो डीमर्जर जो है वो मर्जर का ऑपोजिट है. जैसे मर्जर मीन्स टू और मोर कंपनीज मिलकर एक अनदर न्यू कंपनी को बनाती हैं, वैसे ही डीमर्जर में मीन्स डीमर्ज होती है, एक कंपनी स्प्लिट होकर टू अदर कंपनीज में बंट जाती है, ठीक है, तो इसको डीमर्जर कहा जाता है. एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स वेयर अ सिंगल बिजनेस इज फ्रेगमेंटेड इनटू यूनिट्स टू आइदर ऑपरेट ऑन देयर ऑन और टू बी डिसॉल्व और बी सोल्ड. डीमर्जर इज अ पार्शियल और फुल सेल ऑफ एन एसेट्स और बिजनेस सेगमेंट, ठीक है, मीन्स कंपनी को डीमर्ज करके उसको सेल करके अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है. द एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी टू बिकम अ न्यू कंपनी, ठीक है, कि एक कंपनी उसको तोड़ के, आप ऐसा मान लो उसको तोड़ के दो अलग कंपनीज बना दी जाती हैं और वो न्यू कंपनी बन जाती हैं दोनों, एंड कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल कंपनी, और वो टोटली सेपरेटेड होती हैं. जो शेयर होल्डर होते हैं ओरिजिनल कंपनी के, उनको भी इक्वल ही स्टेक मिलता है न्यू कंपनी की ऑनरशिप में, ठीक है. इसका एग्जांपल है बजाज लिमिटेड. तो बजाज लिमिटेड ने डीमर्ज कर दिया बजाज ऑटो लिमिटेड टू फोकस ऑन ऑटो बिजनेस, ऑटो बिजनेस पर फोकस करने के लिए, एंड बजाज फाइन सब लिमिटेड BFSL टू इंश्योरेंस, कंज्यूमर फाइनेंस एटसेट्रा को फोकस करने के लिए, एंड बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड BHIL टू फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. तो ये इसका एग्जांपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.